दिल्ली में 25 लोगों ने मोदी जी से सवाल पूछता हुआ पोस्टर लगाया था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। भारत सरकार के अंदर आने वाली दिल्ली पुलिस ने पोस्टर लगाने वालों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हमारा भारत देश संयुक्त राष्ट्र में खुद ये मान रहा है कि हमने अपने लोगों से ज्यादा वैक्सीन विदेश भेजी है। Process has also supplied vaccines to over 70 nations. In fact, as of today, we have supplied more vaccines globally than have vaccinated our own people. देखिए, जो सवाल कर रहे हैं उनका जवाब देना चाहिए। सवाल का जवाब हथकड़ी नहीं हो सकती। याद रखना चाहिए कि अभी भी देश में चुनाव होते हैं, अभी भी देश एक लोकतांत्रिक देश घोषित है। यह हथकड़ी कांड सिर्फ सवाल पूछने वालों को डराकर इमेज बचाने के लिए था। इसके बाद फिर किसी ने सरकार से सवाल नहीं पूछा। देखिए, 2014 से हिंदुस्तान की मीडिया ने नमक का कर्ज अदा किया है, कोरोना की दूसरी लहर में भी किया। नमक का कर्ज अदा करने के चक्कर में जब उनके खुद के एंकर मर रहे थे, रिपोर्टर मर रहे थे, तब भी प्रधानमंत्री को वैक्सीन गुरु और ना जाने क्या क्या बताया, देश का पापा तक कह दिया गया। कोई प्रधानमंत्री देश का बाप कैसे हो सकता है? लेकिन नमक इसी को कहते हैं। लेकिन विदेशी मीडिया शायद खाने में नमक कम लेते हैं, इसीलिए भारत देश के अस्पतालों शमशानों में जो हुआ उसकी तस्वीरें छाप दी थी। किसी ने भारत देश के प्रधानमंत्री को कोरोना कंट्रोल करने वाला किंग नहीं कहा, लेकिन हिंदुस्तानी कैबिनेट ने हिम्मत नहीं हारी। भारत देश के चापलूस मंत्रियों ने खुद के देसी इंटरनेशनल डेली गार्डियन अखबार का सहारा ले लिया। इंटरनेशनल नाम की देसी वेबसाइट को देश की जनता ने पकड़ लिया। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर देश अपना खुद का सही में इंटरनेशनल चैनल लॉन्च करने जा रहा है। सरकार को लग गया कि नकली से काम नहीं चलेगा भैया, झूठी बातों के लिए भी चैनल तो असली ही चाहिए होगा। हम कोई झूठ नहीं कह रहे हैं। मैं प्रज्ञा मिश्रा कोदी मीडिया नहीं हूँ, मैं निष्पक्ष और सच्ची पत्रकार हूँ। ये दीपक चौरसिया जी वाले चैनल न्यूज नेशन की वेबसाइट पर लिखा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर CAA, NRC और किसान आंदोलन तक के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की आलोचना का शिकार हो चुकी केंद्र सरकार अब इससे निपटने के लिए नई तरकीब के साथ आई है। नेशनल ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने हाल ही में एक सलाहकार के लिए टेंडर निकाला है, जो कि सरकार की अंतर्राष्ट्रीय मौजूदगी वाला चैनल लॉन्च कराने की योजना तैयार करेगा।